भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, सौरव गांगुली को BCCI का नया अध्यक्ष बनाए जाने का फैसला किया जा चुका है और सौरव के लगभग नए अध्यक्ष बनने पर भी मुहर लग सकती है। आपको बता दें, BCCI के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के समर्थक पूर्व क्रिकेटर ब्रजेश पटेल से हालांकि उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह का निर्विरोध सचिव चुने जाने की भी बात सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री और पूर्व BCCI अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के छोटे भाई अरुण धूमल कोषाध्यक्ष का पद संभालेंगे। आपको बता दें, BCCI का पूरा नाम बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है, यानी क्रिकेट की वह सर्वोच्च संस्था जो देश में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच का आयोजन या उसे नियंत्रित करती है। यानी कि BCCI ही भारतीय क्रिकेट की बागडोर को आगे बढ़ाता है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट की भागीदारी सुनिश्चित करता है। आपको बता दें, BCCI का गठन साल 1928 में हुआ था और बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है। ये वही संस्था है जो राज्य क्रिकेट संघों का प्रतिनिधित्व करती है और इसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग यानी कि ICC की भी मान्यता प्राप्त है। वहीं अगर ICC की बात करें तो उसकी नींव 1907 में लंदन में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में पड़ी थी। ICC का गठन जब हुआ था तब से लेकर आज तक इसका मुख्यालय लंदन में ही है। वेब 20 न्यूज़ के लिए राहुल की रिपोर्ट।